I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में BMS इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास में है सुकैम का BMS 48। बेसिकली हाँ, ये जो BMS है ये लेड एसिड बैटरीज के लिए होता है और हमारे पास में चार लेड एसिड बैटरी हैं। 12 वोल्ट की ये VRLA बैटरी होती हैं जो कि सील्ड लेड एसिड होती हैं, जेल बेस्ड, मतलब ये एसिड बैटरी नहीं है। तो उन्हीं के लिए हमारे पास में सुकैम का BMS 48 है। ये मार्केट में अभी अवेलेबल है, हालांकि कंपनी बंद हो चुकी है। और उसके बाद में हमारे पास में ये एक 48 वोल्ट का चार्जर है और हमारे पास में एक मल्टीमीटर भी है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम ये आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने BMS को कनेक्ट कर सकते हैं अपने बैटरी पैक से। BMS यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये जो बैटरीज हैं ये आपकी गाड़ी में सीरीज में लगी होती हैं, 12 वोल्ट की एक होती है, तो चार बैटरी जब आपस में जुड़ जाती हैं तो इस तरीके से 48 वोल्ट बनता है, मतलब 12, 24, 36 और 48 वोल्ट। तो जब ये सीरीज में लगी होती हैं तो ड्रेनिंग तो सबकी बराबरी से होगी, मतलब जब हम इनसे इनको सोर्स मान के जब इनसे हम करंट को ड्रेन करेंगे तो ये बराबरी से डिस्चार्ज होती हैं। लेकिन समस्या कब होती है, जब हम इसको इसको चार्ज करते हैं, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो हर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती है। जैसे अगर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो इसको ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी चार्ज करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाकी तीन बैटरियाँ चार्ज हो जाएंगी लेकिन ये चौथी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। और जब यही सेम कंडीशन हमें जब इसका यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो ये बैटरी सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज ही नहीं हो पाई है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये जो सुकैम का BMS है इसको कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसके जो जम्पर हैं हम इन जम्पर को लगा देते हैं और इससे चेक करते हैं कि 48 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गाइस, चारों बैटरियों को हमने सीरीज में जोड़ लिया है। अब इस प्लस और इस माइनस पे हम चेक करेंगे कि हमें कितना वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। ये हमारे पास में एक मल्टीमीटर भी है तो आप देख सकते हैं कि 51 वोल्ट मिल रहा है। जो एक्चुअल करंट इसमें मिलना चाहिए हमें फुल चार्जिंग के टाइम पे, वो लगभग 56 या 54 के बीच में हमें मिलना चाहिए। तो अभी इसमें थोड़ी सी जगह है, अब हम इसको BMS को कनेक्ट करेंगे और BMS को कनेक्ट करने के बाद में इसको कुछ देर चार्ज करेंगे। तो ये है हमारे पास में BMS। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24, 36 और 48 वोल्ट दिया, मतलब पांच बार हमें मिले हुए हैं। तो ये 0 वाला जो है, जो कि माइनस का है, हमें लगाना है यहाँ पर। उसके बाद में हमें कंपैरेटिवली 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और उसके बाद में यहाँ पर 36 और 48 वोल्ट। तो जो येलो वायर होगा वो सबसे लास्ट में होगा और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि इनके जो गेटवे हैं उन पर कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे माइनस का और प्लस का एक साथ, फिर इसके जो गेटवे है उस पर चेक करेंगे कि ये प्रॉपर बैलेंस दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। तो गाइस, ये है सबसे लास्ट वाली, मतलब माइनस की केबल। और तो इसको हमने लगा दिया है। अब इसके बाद में हम लगाएंगे येलो वाली, जो सबसे लास्ट वाली 48 वोल्ट की। तो गाइस, जैसे ही हमने दोनों वायर टच करें यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो BMS है वो ऑन हो गया है। और अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें जो बैटरी B1 है 16.9 16 वोल्ट बता रहा है, ये 9 वोल्ट बता रही है और 8 वोल्ट और 17 वोल्ट। तो जो अभी फिलहाल इसमें है वो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस
हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। तो गाइस सारे कनेक्शन हमारे हो गए हैं, हमने बीएमएस में जो बैटरी पैक है उसमें बीएमएस के तार जोड़ दिए हैं, और अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये क्या बताता है। अब आप देख सकते हैं कि B1 बैटरी 1 जो 12.9 है, बैटरी 2 जो है 12.923, 12.84, और बैटरी 4 जो है 12.92। अब जैसे इसमें अगर यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो सेट कैलिब्रेशन इसमें एंटर करना पड़ेगा हमें। एंटर करते हैं बैटरी कैलिब्रेशन B1 B2, B1 जो है 12.96 एंटर करेंगे, बैटरी 2 अब आ रहा है ये होगा 12.91, बैटरी 3 12.84, बैटरी 4 आ रहा है 12.90, 13.5 हो गया, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एनीवे। और उसके बाद में कैलिब्रेशन वैल्यू रीसेट ऑल, तो रीसेट ऑल हम कर देते हैं यहाँ पर, तो ये रीसेट हो गया, सेव्ड कंप्लीट, रीसेट कंप्लीट हो गया है। अब जो है जो बीएमएस है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी बैटरियाँ जो है 12 पॉइंट में बता रही हैं, और जो 13 वोल्ट में बता रही है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। जो बैटरी 4 है वो 13 वोल्ट बता रहा है, लेकिन अब वो धीमे धीमे कम हो रहा है 18, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैटरी का जो इक्वलाइजेशन है, ये बैटरी इक्वलाइजेशन प्रोग्रेस, तो यहाँ एक्सिट कर देते हैं, बैटरी इक्वलाइजेशन इन प्रोग्रेस होगा यहाँ पे, देखिए इसमें सेट भी करना पड़ता है हमें ऊपर नीचे की तरह। ठीक है, अभी तो ये बेसिकली अभी हमने सिर्फ इसको जोड़ के रखा है। ये बेसिकली करता ये है कि जो बैटरी इससे जुड़ी होती है तो उसी टाइम ड्यूरेशन में बैटरी जो ओवर चार्ज है उसको डिस्चार्ज करता है, और जो कम चार्ज है उसके ऊपर लोड कम आने देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब आइए इसमें एक बार चार्जर को जोड़ के देखते हैं, और देखते हैं कि बैटरी की जो चार्जिंग प्रोग्रेस है वो किस तरीके से काम करती है। तो गाइस ये है हमारा चार्जर 48 वोल्ट का, इसमें हमें जो माइनस है उसमें माइनस को लगा देना है, और प्लस में प्लस को लगा देना है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को भी लगा के रखते हैं ताकि हम चेक करें कि जब वोल्ट जैसे हम चार्जर को ऑन करते हैं तो वोल्ट कितना बढ़ता है, और साथ ही हम बीएमएस को भी रीड करेंगे। तो गाइस अभी टोटल वैल्यू हमारे पास 51 वोल्ट के आसपास आ रही है, जबकि इसको 54 के आसपास होना चाहिए। तो ये जो हम इसको ऑन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे जो वोल्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बैटरी को चार्जिंग शुरू कर दी है। के आसपास पहुंच गया है, अब धीमे धीमे बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर हम बीएमएस को चेक करें तो इसमें जो प्रोग्रेस है वो कुछ इस तरीके की है कि ठीक है, अब सभी बैटरियाँ 13.2, ओके सब 13 वोल्ट पे आ चुकी हैं। ठीक है, बैटरी इक्वलाइजेशन इन प्रोग्रेस। तो ये एक प्रोग्राम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर होता है जिसमें कि सभी बैटरियों को बराबरी से चार्ज करने का जो सिस्टम है वो होता है। तो अगर बैटरी बीएमएस अगर आप लगाते हैं लेड एसिड बैटरी में, तो ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। बैटरी बीएमएस के अलावा एक और तरीका है, ये है बैटरी को बैलेंस चार्जिंग का, कि हर बैटरी को आप बैलेंस चार्जिंग मतलब सेपरेट चार्जिंग दो। कुछ इसी तरीके का ये जो हमारे पास में ये जो चार्जर है ये हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें चार अलग अलग टेपिंग दी हुई है, ट्रांसफार्मर है बेसिकली, क्योंकि ट्रांसफार्मर बेस्ड है तो यहाँ पर अलग अलग चार टेपिंग दी हुई है। यहाँ पर भी चार हमने अलग अलग ब्रिज रेक्टिफायर लगाए हैं। तो जब हम इस तरीके का जो ब्रिज रेक्टिफायर है उससे चार अलग अलग टेपिंग लेते हैं और चार अलग अलग बैटरी को चार्ज करते हैं, तो इस तरीके से जो बैटरी है वो बराबरी से यानी बैलेंस चार्ज होती है। तो या तो आप अपने चार्जर को अपग्रेड कर सकते हैं बैलेंस चार्जर के रूप में, या फिर आप अपनी बैटरी में लगा सकते हैं बीएमएस। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि छोटा सा बैलेंस चार्जिंग
के ऊपर जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी गाड़ी में इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को लगाने से, दोनों में से किसी भी एक चीज को अप्लाई करने से आपकी जो गाड़ी का माइलेज है वो बेशक बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कमेंट और फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक देखते रहिए आप मोटर लैब ईवीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।